ओम वंदे गौ मात्र। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। एक नाक बंद रहता है, ये बहुत से दर्शकों की समस्या है। इस पर हमने पहले वीडियो दिया था, पर उसमें आपको बहुत सी बातें साफ नहीं हो रही हैं, इसलिए हम इस वीडियो को दोबारा बना रहे हैं और आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। और मित्रों, यदि ये वीडियो आपकी ही समस्या पर है तो कृपा करके प्रश्न करने से पहले पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिए और पालन करिए। उसके बाद यदि कोई प्रश्न बचता है तो कमेंट वीडियो पर अवश्य करिएगा, और प्रश्न नहीं है तो जो आपको वीडियो कैसा लगा वो अवश्य बताइएगा। चलिए अब हम आते हैं कि हमारी नाक बंद कैसे कैसे रहती है। मित्रों, कुछ प्रश्न हैं कि जैसे मेरी दाई नाक हमेशा बंद रहती है, कोई कहता है मेरी बाई नाक हमेशा बंद रहती है, किसी ने कहीं ये भी कमेंट किया कि हमारी तो दोनों नाक हमेशा खुली रहती है। ये आपका भ्रम भी हो सकता है, कैसे है मैं आपको भी बताऊंगी। और साथ ही किसी किसी की समस्या है कि उनकी दोनों नाक बंद रहती है, जैसे नसल पॉलिप्स हो जाते हैं, कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनकी दोनों नाक कई बार काफी हद तक बंद हो जाती है, तो उनको मुंह से ही सांस ज्यादातर लेना पड़ता है। तो आज इन सभी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, तो मित्रों कहा ना वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो सामान्यतः जो सांस लेते हैं कैसी गति से चलती है, कैसे क्रम से चलती है, पहले उसको आपको स्पष्ट कर दूं, जो सामान्य बातें हैं। यदि आप सामान्य स्थिति में हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप इसको समझ लेंगे, जान लेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। पर उसके बाद जिनकी समस्या है हम उन पर भी बात करेंगे। मित्रों, हम जो 24 घंटे हमारे दिन में होते हैं, हम यदि अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें तो उसमें 60 घड़ी कही जाती है। 24 घंटे में 60 घड़ी होती है, यानी कि एक घंटे में ढाई घड़ी होती है। मैं घड़ी इसलिए आपको बता रही हूँ ना ताकि आपको ये बात भी समझ में आए, कि नहीं तो कई बार आप घड़ी का मतलब कुछ और समझ लेंगे, कहीं आपने पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पूरा विस्तार से बता रही हूँ। तो ढाई घड़ी बराबर एक घंटा होता है, और हमारी हर घंटे में सांस का स्वर यानी कि नाक का स्वर बदल जाता है, यानी कि यदि आपका अभी इस नाक से चल रहा है तो एक घंटे बाद चेक करेंगे तो आपको दूसरी नाक से सांस चलती मिलेगी। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं होता है, सामान्यतः कुछ भी आगे पीछे नहीं होता यदि आपके शरीर में कोई और विकार नहीं है। तो इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, जो मुझे समझ में आया, मैं इसको कहीं पढ़ा नहीं है, पर अपनी बुद्धि जो चलाते हैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है, तो उसमें मुझे इसका कारण समझ में आया। मित्रों, हमारे जो अंग हैं वो काम जो करते हैं, आपके कान हमेशा सुनते नहीं है, आंखें झपकती रहती हैं, लगातार खुली नहीं रहती हैं, आप आंखें खुली लगातार रख नहीं सकते, तो आंखें झपकती रहती हैं मतलब वो, और सो भी जाते तो बंद हो जाती हैं। वैसे ही मुंह हमेशा खाता या बोलता नहीं है, और अंदर के जो बॉडी के पार्ट हैं वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता। लेकिन नासिका एक ऐसा अंग है ना मित्रों, जो हमारी हमेशा चलती है। जन्म के समय हमने पहली सांस ली थी और मृत्यु के समय हम अंतिम सांस छोड़ते हैं, और ये जो नासिका है हमेशा चलती रहती है। इसलिए आप ये देखिए ना, दो आंखों में एक बीच में गैप है, दो कानों में काफी गैप है, मुंह में कोई गैप नहीं है, पर नाक में बीच में हल्का सा पार्टीशन ईश्वर ने क्यों दिया, क्योंकि एक नासिका बंद करनी, एक नासिका चालू रखनी। यदि दोनों नासिका से सांस लगातार चलेगा तो कभी आप मेहनत का काम करते हैं, थकने की स्थिति बनती है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए मुझे जो समझ में आया कि भाई एक नासिका बंद रहती है, एक नासिका चलती रहती है, और सामान्य प्रक्रिया में यही होता है। लेकिन जब आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, कुछ वजन उठाते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ सीढ़ियां वगैरह चढ़ते हैं, तो ऐसे समय में जब आप देखेंगे तो आपको दोनों नासिका अपनी खुली मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। अब आपको चेक कैसे करना वो भी बता दूं। मित्रों, करना क्या है, एक नाक को ऐसे बंद करिए, हल्का सा, जोर से नहीं दबाना, एकदम हल्का सा। आप देखिए इस नाक से कैसे सांस चल रही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करिए, इसको बंद करिए, क्योंकि नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप देखिए आपके किससे सांस चल रही है, इससे, इससे लेना इजी है कि इससे लेना इजी है, तो जिससे लेना इजी है, सरल है, वो नासिका से आप सांस की सांस चल रही है, और जिसमें थोड़ा सा हार्डनेस आ रही है मतलब वो नाक अभी आपकी बंद है। हाँ, वो आप सांस थोड़ी हल्की से आपको लगेगा कि चल रही है, पूरी बंद नहीं है, पर हाँ आपकी नाक वो बंद है ऐसा माना जाता है, बहुत हल्की बंद होगी। कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि हमारी तो दोनों नासिकाएं खुली रहती हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, दोनों नासिकाएं कब खुलेंगी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा दिन में 2-3 घंटे ऐसे भी, तो 2-4 घंटे कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, यानी कि हमारी दोनों नासिका खुली होती है, ऐसा बहुत कम समय होता है, दिन में 3-4 घंटे का समय ऐसा होता है, तो उस समय ये मिल जाएगा, बाकी नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ये आपको दिमाग में बता देना है।
अच्छा, ये नॉर्मली किसी को अभी तक तो पता चलता नहीं था जब तक आप प्राणायाम नहीं करते, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, आप नाक बंद करते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि हमारी एक नाक तो टाइट जा रही है, एक नाक से सांस लेते नहीं, बड़ा अनइजीनेस हो रही है, और दूसरी नाक से इजी चल रही है। तो आपको समझ में आता है, अरे एक नाक तो मेरी बंद रहती, मैं क्या करूं, अब मैं प्राणायाम कैसे करूं, ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ जाते हैं। तो इसलिए हमने आपको ये बात पूरी क्लियर कर दी कि अब आशा है आपके मन का ये प्रश्न का समाधान आपको मिल गया होगा कि आपकी एक नाक बंद क्यों रहती है। अब कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनकी एक ही नाक बंद रहती है, कि किसी किसी की बाई नाक ही बंद रहती है, किसी किसी की दाई नाक ही बंद रहती है। तो मित्रों, यदि ये समस्या आपके साथ है तो यहां से ये समस्या बन गई है। आप एक एक घंटे में चेक करिए, एक घंटे में ये खुला है, एक घंटे में ये खुला है, एक घंटे में ये बंद है, एक घंटे में ये बंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलने दीजिए, आप नॉर्मल है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि लगातार तीन चार घंटे, पांच छह घंटे यही नासिका खुली है, या यही नासिका यानी कि दाई नासिका ही खुली है, बाई नासिका ही खुली है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। क्यों? अब मैं आपको एक एक नासिका से बता दूंगा क्या होता है। मित्रों, यदि माना कि आपकी बाई यानी कि लेफ्ट नोस्टिल खुला हुआ है, बाया लेफ्ट नोस्टिल खुला हुआ है, तो क्या होगा, आपके बॉडी में ठंडक बढ़ेगी, आपके बॉडी में कफ की प्रॉब्लम बढ़ेगी, हो सकता है जॉइंट पेन की स्थिति भी बने, क्योंकि क्या है ना, ठंडक बढ़ती है और ठंडी अंदर भी ठंडक है, तो उससे जॉइंट पेन कभी कभी बढ़ जाता है। और साथ ही आपको भूख कम लगेगी, आपको नींद ज़्यादा आएगी, शरीर में आलस बढ़ेगा, निद्रा तंद्रा बढ़ती जाएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में ठंडक बढ़ रही है, तो ठंडक में इंसान शांति से बैठ जाता है, उसको काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है रजाई में घुस के सो बैठ जाओ। तो ये जो ठंडक है, इसमें आपको रजाई में घुसने की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि आप नासिका से सांस जो चल रहा है उसमें स्थिति है। तो आपको क्या होगा कि आप मात्र आपके बॉडी से ठंडक हो जाएगी, नहीं कि आपके बॉडी में काम करने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, नहीं कि आपको आलस ज्यादा आएगा, तंद्रा बनी रहेगी और नींद ज्यादा आएगी, ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। और कहा ना, मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि भूख कम लगेगी पर पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, तो पेट साफ ना होने की समस्या भी इसमें खड़ी हो जाती है, जब आपकी बाई नासिका से सांस चल रही है तब। वैसे ही मित्रों, यदि आपकी दाई नासिका से सांस चलती है तो इसका प्रभाव बाई नासिका से सांस चलने से एकदम उल्टा हो जाता है, यानी कि जब बाई नासिका दाई यानी कि राइट नोस्टिल से जब आपके सांस चलती है तो क्या होता है, आपके बॉडी में गर्मी बढ़ती है, जी हाँ, हीट बढ़ती है, तो किसी किसी को इसमें पित्त बढ़ जाता है और आपकी नींद कम हो जाती है। काम बहुत सारा आप करेंगे, उत्साह से करेंगे, मन से काम करेंगे, आपको काम करने में भरपूर ऊर्जा आएगी और आपको लगेगा हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपके बॉडी में रूखापन, सूखापन, पेट में जलन जैसी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है, सर में गर्मी चढ़ना, हाथ पैर में गर्मी आना, पूरे बॉडी में गर्मी महसूस होना, ये सारी समस्याएं आपकी दाई नासिका से सांस चलेगी तो हो सकती है। और यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके शरीर में पानी की भी कमी है, तो आपको चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं भी खड़ी हो सकती है मात्र दाई नासिका से सांस चलने पर। इसलिए हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम बताते हैं ना, तो आपको कैसे करना बहुत शांति से बताते हैं, ताकि आप समझें और आप ठीक से करें। अन्यथा यदि आपने अनुलोम विलोम करने भी गलती कर ली कि दाई नासिका से सांस लिया, बाई से छोड़ा, तो आपको गर्मी बढ़ा देगा। वैसे ही मतलब जैसे हमने बता दिया, यदि आप ये प्राणायाम के रूप में भी कर लेते हैं तो ये आपके बॉडी में ठंडी गर्मी बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो आपको वैसी स्थिति बन जाती है, यानी कि लेफ्ट से सांस चलेगी तो ठंडक बढ़ जाएगी और राइट से सांस चलेगी तो गर्मी बढ़ जाएगी। आशा ये बात आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। अब यदि आपको अपनी नासिका चेंज करनी, यानी कि आपकी जो नासिका से सांस चल रही है उसको बदलना है, क्योंकि ये बदलना बहुत जरूरी हो जाता है तब जब आपको लग रहा है कि आपको समस्याएं घेर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, आपको क्या करना होता है कि आपको जिस नासिका से सांस चलाना है ना, उस नासिका को ऊपर करके आपको लेट जाना है। कि माना कि आपको दाई नासिका से सांस चलाना है, यानी कि आपका बाई नासिका से सांस ज्यादा चलता है, दाई नासिका से चलाना है, तो आपको क्या करना है, यानी कि राइट नोस्टिल से सांस चलाना है, तो लेफ्ट हैंड नीचे करके आप ऐसे लेट जाइए। और लेटने में आपको ध्यान देना है कि आपको करवट पे लेटना है, आप उल्टे नहीं पड़ेंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं पड़ेंगे, आपको मात्र ऐसे लेटना है, ठीक है। और यदि आपको राइट से सांस चलाना है, यानी कि राइट नोस्टिल से आपका सांस चलाना है, तो आपको करवट पे लेटते समय आपको तकिया लेना जरूरी होता है, सीधे लेटेंगे तो तकिया नहीं लेंगे, तो आप ऐसे लेट जाइए। लेटने का तरीका वही है, बस हमने पोजीशन उधर से उधर कर दी है। तो ये क्या है मित्रों, जब आप ऐसे लेटेंगे ना, 5 से 10 मिनट में आपकी नोस्टिल की सांस चेंज हो जाती है। बट यदि चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे जब बुखार आता है ना, वैसे बुखार मुझे बहुत कम आता है, हम पानी से ठंडा भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब बुखार आता है ना, तो क्या स्थिति बन जाती है ना मित्रों, कि मेरा उस समय मैं बाएं करवट रात भर
सॉरी राइट करवट में रात भर भी सो जाऊं ना तो भी मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल में खोल नहीं पाती हूं। और ऐसी स्थिति में कोई और रास्ता नहीं बनता है, बचता है बस पानी पिए जाओ ताकि बुखार कंट्रोल में रहे, तब मैं वो काम करती हूं क्योंकि मेरी बाई नासिका से सांस बहुत कम चलती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो चलना होता है। पर हाँ, यदि मेरे बॉडी में जरा भी गड़बड़ होती है तो दाई नासिका से मेरी सांस चल जाती है और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और नहीं होता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इसका स्वर बदलने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपकी जिस नासिका से सांस चल रही है ठीक है, सांस उसी से लीजिए और दूसरी तरफ से छोड़ने में बहुत आराम से पर फोर्सफुली, आराम से मतलब कैसे कि धीरे धीरे आप उसको छोड़ने की कोशिश करिए और आराम से उसको करिए तो इससे भी कई बार नाक खुल जाती है। उसके अलावा मित्रों क्या होता है कि आपको जब कभी भी ऐसा होता है ना तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो नाक आपकी चल रही है उसको टोटली बंद कर दीजिए और नाक में तेल लगा लीजिए। सबसे पहले तेल लगाना हम बताते हैं, तेल लगा के आपको क्या करना है, ऐसे तेल लगा ले लीजिए और नाक के अंदर उसे लगा लीजिए। वैसे तो हम डालना बताते हैं स्वास्थ्य नियम में, हम आपको बताएंगे आपको क्या क्या करना, उसमें आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अब आपको क्या करना, अच्छे से उसको अपने अंदर से ऑयलिंग कर देना, ऐसे ऐसे अच्छे से घुमा के ताकि आपके पूरी नाक में ठीक से तेल लग जाए। उसके बाद जो नासिका आपकी खुली है, ध्यान से सुनिएगा, जो नासिका आपकी खुली है उस नासिका को आपको बंद कर देना है और दूसरी नासिका से सांस थोड़ा सा खींच के लेंगे तो चलेगा, बहुत जोर से मत खींचेगा, ऐसे मत करिएगा, गले की हड्डी में खड्डा पड़ जाए ऐसे मत लीजिएगा, हल्का सा ऐसे आप लेके छोड़ सकते हैं। ऐसे जब आप करेंगे धीरे धीरे दो दो तीन तीन बार करिए, फिर दूसरी नासिका से सांस लेना चालू करिए। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आप नासिका को खोल पाएंगे और इससे आपकी नासिका खुल जाएगी। और साथ ही मित्रों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट दी है, उसके यदि वीडियो देख के पूरा पालन करेंगे तो आपको हर समस्या से समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। अब जिनकी दोनों नासिकाएं बंद रहती हैं उनको भी मैं समाधान बता दूं और जिनकी एक एक नासिका बंद रहती है वो भी समाधान कर सकते हैं। मित्रों होता क्या, जब किसी को नसल पॉलिप्स होता है, कफ बहुत बनता है तो ऐसी स्थिति में दोनों नासिकाएं सांस नहीं लेते, बनता है नाक चौकअप हो जाती है, तब अक्सर लोग मुंह से सांस लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति यदि आपकी बन रही है तो आपको क्या करना है, आपके कफ की समस्या है तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज्यादा मेहनत वाले काम करने हैं। स्वास्थ्य नियम का पालन करिए, यानी कि नाक में घी तेल डालिए, उसके बाद मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करिए कि आपकी नाक धीरे धीरे खुलने लगे, आपके मुंह से सांस ना चले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप वॉकिंग करेंगे, आप रनिंग करेंगे, इतनी गति बढ़ाइए कि आप नाक से में तेल लगाएंगे ना, धीरे धीरे आपकी सांस खुलेगी। तब जब वॉकिंग करेंगे रनिंग करेंगे तो धीरे धीरे उसको गति बढ़ाते जाइए और वैसे वैसे आपकी धीरे 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 नाक खुलती जाएगी। और उसके बाद आप सांसों पर ध्यान करेंगे, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली प्लेलिस्ट दवा मुक्ति दी है जिसमें आपके बहुत सारे रोगों पर हमने वीडियो दी है। उसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट हमने जो दी है वो हमने दी है स्वास्थ्य नियम की, जिसमें हमने स्वास्थ्य नियम में क्या क्या करना वो बताया है। और साथ ही तीसरी प्लेलिस्ट हमने दी है संपूर्ण प्राणायाम की, जिसमें हमने बताया कि आपको सांसों पे ध्यान कैसे करना है। तब सांसों पे ध्यान करेंगे तो आपको क्या करना है, एकदम नॉर्मली सीधे बैठ जाइए और नाक में तेल लगा के बैठेंगे और जो सांस आपकी चल रही जैसे चलिए बस नाक से सांस लगाने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए, इससे धीरे 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 आपकी नासिकाएं खुलने लगेंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। पर आपको समझ के करना पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से इस पर ध्यान नहीं दिया जिससे आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही और आपको समस्या हो गई है। तो इसके समाधान के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। उसके अलावा मित्रों आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको जिस नासिका से सांस चलानी है, जिस नासिका से सांस चलानी है आपको ऐसा नहीं करते बन रहा है तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये सन्यासी वगैरह प्रयोग करते हैं कि रुई ले लीजिए, मैंने रुई ली है, ये देखिए रुई है, ये रुई काफी चौड़ी थी, मैंने इसको बैठे बैठे मोड़ दिया क्योंकि मुझे नाक में डालनी थी, मैं भूल गई कि आपको दिखाना भी है, तो ये मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, देखिए इतना सा बना लिया एकदम रुई हार्ड करके, आप चाहे तो इसके ऊपर धागे से लपेट भी सकते हैं। उसके बाद जिस नासिका से आपको सांस चलाना है उसकी विपरीत, यानी कि जो नासिका आपकी चल रही है, जो नाक से आपकी सांस चल रही है उस नाक में इसको आप ऐसे लगा दीजिए, ऐसे अंदर करके ऐसे ऐसे करके लगा दीजिए, जिससे आपकी धीरे धीरे दूसरी नासिका अपने आप खुलने लगेगी। पर ये इतना टाइट होना चाहिए, इतना इसमें मजबूत होना चाहिए कि आपकी इस नासिका से सांस बिल्कुल ना चल सके, मतलब जो उससे चल रही है उससे बिल्कुल ना चले, तो धीरे धीरे दूसरी नासिका अपने आप खुल जाएगी। और मित्रों किसी भी रोग को ठीक करने के लिए जिस नासिका से सांस आपकी लगातार चल रही है उसको बंद कर दिया जाए तो दूसरी नासिका से सांस चला दिया जाए तो अपने आप जो रोग 15 दिन में ठीक होने वाला होता है ना वो
5 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको दोनों नासिका वाला भी बताया, अब इसका कुछ और तरीके भी बता दूं जिससे आपकी दोनों नासिकाएं खुलने लगेंगी। मित्रों यदि आपकी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि यदि उल्टा कर लिया तो परिणाम उल्टा आ जाएगा। यदि आपकी राइट नोस्टिल के दायां स्वर बंद रहता है, दाईं नाक बंद है, यानी कि आपकी लेफ्ट नोस्टिल खुला है, तो आपके बॉडी में ठंडक बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में आप दिन भर में 10 से 20 ग्राम शहद का सेवन करिए। सादा पानी में भी कर सकते हैं, गुनगुना पानी ना लें, क्योंकि वैसे चर्बी बढ़ी हुई तो हल्का गुनगुना ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा दिन तक ना लें, 3 से 4 दिन ही आप गुनगुने पानी में शहद ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है वरना वीकनेस आ जाएगी। मैं पहले ही बता दूं, वरना आप असावधानी कर लेते हैं तो समस्या हो जाती है। अन्यथा आप क्या करें, आप मात्र ऐसे ही शहद का सेवन करें, ऐसे शहद चाट लें, 10 से 20 ग्राम शहद आप एक दिन में लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ये शहद आप, यदि आपकी लेफ्ट नोस्टिल से सांस लगातार चलती है तो आप शहद का सेवन करेंगे, शहद खाएंगे। वहीं यदि आपकी राइट नोस्टिल से सांस चलती है, इसका मतलब आपके बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई है, तो आपको घी का सेवन करना है, 10 से 50 ग्राम घी, मिनिमम 10 ग्राम घी। और यदि आप पतले हैं और आप पचा पा रहे हैं तो 50 से 100 ग्राम घी भी एक दिन में खा सकते हैं, जिससे आपके बॉडी की गर्मी शांत होती रहे, क्योंकि आपके शरीर में क्या होगा, घी डाला, घी खाया, बोले स्वाहा, तो बोले स्वाहा, मतलब मेरे शरीर में ऐसा होता है, मैं इसलिए बता रही हूं, मैं 100 ग्राम घी खा जाती हूं, मुझे कोई कभी मोटापा नहीं बढ़ता। अभी थोड़ा वजन बढ़ाना है, इसलिए मेरा वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर सकती, मेहनत करने से मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जो मुझे दूसरी तकलीफें दे देती है, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर सकती हूं, इसलिए मेरा वजन अभी पेट पेट थोड़ा बढ़ गया है, इसको मैं कंट्रोल कर लूंगी, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि खाना पान थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता तो हो जाता है, पर मेरा घी मैं बंद नहीं कर सकती, पर बाकी चीजें कर सकती हूं। तो मैं अपने इसलिए बता देती हूं ना, कई बार आप लोग मेरे अनुभव से भी कुछ चीजें सीखते हैं, इसलिए मैं बता देती हूं। अब यदि आपको नाक खोलनी है तो आप कुछ चीजें और कर सकते हैं, जैसे कोई हल्दी है, हल्दी आप ले लीजिए, उसको भून लीजिए, हल्दी आप भून लेंगे उसको, और उसके बाद उसकी नसवार लेंगे, तंबाकू की नसवार मत लीजिएगा, उसकी आदत पड़ जाती है और फिर बाद में लोग छोड़ नहीं पाते हैं, तो आप हल्दी की नसवार लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हल्दी अच्छे से जला लीजिए, उसके बाद उसकी नसवार लेंगे तो इससे भी आपको नाक खोलने में काफ़ी अच्छी सहायता मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोगों को स्मेल नहीं आती है, तो नसल पॉलिश पर हमारी लिस्ट जटिल रोग में हमने वीडियो दिया है, आपको उसमें देखना होगा, मिल जाएगा, नाक बंद रहती है उसमें भी वो काम करेगा। पर वैसे इसमें भी हमने बता दिया कि आपको क्या करने दी, स्थिति है दोनों नाक बंद है और दोनों नाक खुली महसूस होती है, उस पर तो हमने पहले ही बता दिया। तो आप, अब आशा है हमने आपके सभी स्थितियों पर बात कर ली है, तो अब आप इसको समाधान कैसे करेंगे, हमने वो भी बताया कि आपको कैसे सांसों पर ध्यान करना है, धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी नाक से सांस चलती रही है, खुल रही है, क्योंकि जब आप करेंगे तब होगा, समय लगेगा पर आप कर पाएंगे यदि आप ठीक से करेंगे तो, वरना जल्दबाजी करेंगे कभी कोई काम नहीं होता, और जितना ध्यान से करेंगे उतना जल्दी काम होता है, वरना क्या होता है, आप ध्यान से करते नहीं है, दिमाग कहीं घूम रहा है, आप कर कुछ रहे हैं तो उसमें परिणाम जल्दी नहीं आते हैं। इसलिए जब आप सांसों पर ध्यान करेंगे तो मात्र सांसों को देखेंगे, तब देखेंगे 1 से 2 दिन में आपकी नाक कैसे आपको खुलती महसूस होने लग रही है, और उसके बाद धीरे धीरे आप प्राणायाम पे आगे बढ़ेंगे तो आप अपने हर रोग को ठीक कर पाएंगे। ये हम आपसे कह रहे हैं, आप हर रोग को ठीक कर पाएंगे, इसके लिए आपको कोई ज्यादा कुछ और करना नहीं पड़ेगा, बस आपको समझना पड़ेगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं, तो गलती सुधारी हर समस्या का समाधान होता है मित्रों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आगे प्राणायाम के बाद क्या कहते हैं, व्यायाम के लिंक भी दिए, आसन मुद्रा सारे लिंक दिए, आप अपने रोग अनुसार मुद्रा लगा सकते हैं, आसन भी चुन सकते हैं, और साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक दिया है, और उसके अलावा हमने दिया है हमारा नंबर भी, आप हमें वहां भी संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम वीडियो तो बना देते हैं, आपको कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम आपसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमसे अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, पर वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा समाधान बताया मित्रों, उतना मैं आपको टाइप करके नहीं बता सकती, ना हमारे सहयोगी आपको टाइप करके बता सकते हैं, इससे आपको वीडियो तो देखने ही होंगे, तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और अब कोई प्रश्न है, समझ में आ गया है, उसके बाद कोई प्रश्न है तो आप टिप्पणी वीडियो पर अवश्य करिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं, कि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम।